वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो मैं हूं आपका दोस्त राजीव और आप देख रहे हैं टीनी साउंड्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम कुछ साउंड्स रिलेटेड बात नहीं करेंगे क्योंकि आज मैं अपने घर पे लगाने जा रहा हूं एयरटेल स्ट्रीम फाइबर। तो इसका मैं आज टोटली रिव्यू करूंगा, ठीक है, और मुझे कितना पे करना पड़ा और कितना कॉस्ट आएगा, कितना मंथली प्लान आएगा, कितना एमबीपीएस आपको मिलेगा, तो टोटली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहले हम इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको मैं प्लान समझा दूंगा कितना प्लान आपको कितना दिन लगेगा या फिर कितना का महीने का आपको प्लान लेना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कनेक्शंस वगैरह सब यहीं तक थे और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और तो अभी कॉस्टिंग की बात करते हैं कि मुझको कितना खर्चा पड़ा। तो टोटल खर्चा मुझको पड़ा 1676 रुपये, ठीक है, और जो कि प्लान मैंने जो चूज़ किया था वो 199 वाला प्लान था, ठीक है, 5 मंथ वो GST के साथ 18% GST के साथ इंक्लूड होता है वो। तो वो ये प्लान था और बाकी इंस्टॉलेशन चार्ज इसके साथ ऐड हो जाएगा, 500 रुपये आपका इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप एयरटेल स्ट्रीम फाइबर को बुक कर सकते हैं और आप अपना एरिया नंबर सब वगैरह वगैरह अपना मतलब पर्सनल डिटेल्स आप उसमें ऐड कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा और तभी भैया आपको फ़ोन करेंगे, मतलब कंपनी से फ़ोन करेंगे और आपका एरिया वगैरह पूछेंगे, तो आपका एयरटेल स्ट्रीम फाइबर आपके घर पर इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और मैंने जो जो प्रोसेस बताया वही आपका प्रोसेस होगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट एंड फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।